गुड मॉर्निंग साथियों, लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। किस्मत से ही मिलता है सब कुछ इस जहां में, इन हाथों की लकीरों में भला रखा क्या है। कैसे हैं आप सभी? आपकी ट्रिकी गणित शुरू हो चुकी है जिसमें आप पढ़ते नहीं बल्कि सीखते हैं। कंपटीशन में अगर आप किसी परीक्षा में बैठते हैं, टाइम की सबसे बड़ी समस्या होती है। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हल करने के लिए आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके अपनाने होते हैं, और वो तरीके हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। इसको सीख करके आप अनुपात और समानुपात के सवालों को देख करके झट से आंसर क्लिक कर देंगे। चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, जब कोई तीन पद दिए गए हैं, तीन अनुपात दिए गए हैं, तो उसमें से ए बी सी का मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोलें, ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, और ए सी का मान अगर सोचिए कि दिया हो या फिर ना भी दिया हो, तब भी ए बी सी ये कैसे निकालेंगे, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था, है ना? देख लिया ना, तो ध्यान से इसको देखना साथियों। इसका मान जो है, आप अगर ए बी मान लो कि 5-4 दिया है, ए सी ये मान लो 1-3 दिया है, तो आप इन दोनों की सहायता से भी ए बी सी निकाल सकते हो। इन दोनों की सहायता से आप ए सी का मान भी निकाल सकते हो। ये तरीका हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन आज हम चार पद वाला देखेंगे। जब ए बी बी सी सी डी दिया हो और आपसे पूछा जाए कि ए डी बराबर क्या होगा, लास्ट वाला और प्रथम पद पूछा जाए, तो कैसे करेंगे। दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, ए बी सी डी चारों का अनुपात, जैसे एक अनुपात बी का मान 1-3 है, बी सी का मान 1-5 है, सी डी का मान कुछ और है, तो ए बी सी डी का चारों का अनुपात बताओ एक में, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ध्यान से देखना ट्रिक को, बहुत ही गौर से समझना, एकदम परफेक्ट ट्रिक है, आप सब के लिए महत्वपूर्ण है। आरआरबी, टेट, सी टेट, एसएससी, बिहार कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। साथियों, जैसा कि आपको हमने बताया था, पूर्व पद और अंतिम पद, तो बिल्कुल उसी का धड़ल्ले से यहाँ भी प्रयोग करते हैं। अगर ए बी दिया है, बी सी दिया है और सी डी दिया है, ऐसी स्थिति में ए डी निकालना हो तो हम सभी अनुपातों के पहले पहले पद का गुणा कर लेते हैं और फिर अनुपात का चिन्ह लगा के दूसरे दूसरे पदों का गुणा करते हैं। कैसे, ये ट्रिक देखो इधर, x इंटू पी इंटू एम अनुपात y इंटू क्यू इंटू एन। इसको एक क्वेश्चन से समझेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, ये ऐसे आपको कम मजा आ रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है देखना, देखिए जैसे ये सवाल है आपका, यदि ए अनुपात बी इक्वल 1-3 और बी अनुपात सी इक्वल 2-5, ए बी बी सी हो गया, सी अनुपात डी 1-7, तो ए डी बताओ, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। कंपटीशन में बहुत बार आया है ये, टीटी से लेकर के आरआरबी की परीक्षाओं में भी आता है। कैसे करेंगे, सवाल को देख करके उत्तर आपके मन में आ जाए, कैसे? सिंपल सी बात है, इनका गुणा करना इसमें और इसका इसमें, एक का दो में करोगे दो, दो का एक में करोगे दो, यानी कि फाइनल में क्या हो गया, दो, अनुपात का निशान लगाया, 3×5=15, 105, 2:105 आंसर होगा। ये कभी कटे पीटेगा भी नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या और सम संख्या है, आपस में कटेगा नहीं, वही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक छोटा सा, लेकिन अगर इसमें आपसे एक बड़ा सा बात पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, दूसरी ट्रिक देखना उसके लिए। ये तो ए डी के लिए हो गया, लेकिन अगर इतना ही दे करके और आपसे पूछा जाए कि आप ए बी और सी डी सब का अनुपात एक में मिला करके बताइए, तब कैसे करोगे, ध्यान देना, बहुत ही गौर से देखना। देखिए जैसे कि अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताओ, आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर ये बदल जाएगा, ट्रिक नंबर सेकेंड हो गई है आज की, उसमें ए डी पूछा गया था, इसमें ये पूछा जाएगा, यही सेम तरीका, देखना कैसे। यहाँ पर आप पहले ऐसे बनाओगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक, जो भी मान दिए गए हैं, जैसे भी दिए गए हैं, वैसी स्थिति में इसको नीचे लिख लिया जाएगा। और चलिए हमारे साथ साथ में आप भी लिखते चलिए फटाफट। देखिए ए बी का मान एक्स वाई दिया है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे यक्स अनुपात वाई, ये ए बी के नीचे है,
उसके बाद अगर आप ध्यान दो, बी सी का मान पी क्यू दिया है, तो बी और सी के नीचे हम लिखेंगे पी और क्यू, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद अगर बात करें सी और डी, इसका मान दिया है यम एन, तो सी के नीचे यम और डी के नीचे एन, अनुपात लगा लगा के। बहुत अगर अच्छे से समझोगे तो पक्का समझ में आएगा, और बहुत आसान ट्रिक है ये, एकदम आसान है, एकदम हलवा है, बस इतना जान लो। अब क्या करेंगे साथियों, इसका गुणा करते हैं x का। देखो पद तो हमारे तीन है, एक दो तीन, मतलब तीन जोड़ी है। x का p में करेंगे तो ये क्या हो गया xp, इतना बात क्लियर है। लेकिन यहीं पर ये बात रुकेगी नहीं, ये क्रम x का p में करेंगे तो pm में करेगा मल्टीपल, तो ये फाइनल में xpm हो गया, ये पहला रूट हो गया, पहला रास्ता। दूसरा रूट y से होके चलेगा, जो कि y से p में आएगा, तो ये yp हो जाएगा, और वहीं पे थम ना जाएगा, वो कहाँ को जाएगा, yp से होते हुए ये रूट जो है कहाँ जाएगा, देखो यम डायरेक्ट गया है, पहले से गया है, तो हम y से होके p में जाएंगे, फिर यम में चले जाएंगे, मतलब ये यम भी इसी में हो जाएगा, yp यम। पहला रूट xpm, ये हो गया, अनुपात लगा दिया वाई पी एम, अब फिर अनुपात लगा दिया। तीसरा रूट पे चलना, वाई से जाएंगे क्यू में, और क्यू से आएगा किस में, यम में, यानी कि वाई क्यू एम। बहुत आराम से समझना, कभी ना भूलोगे। लेकिन इतना ही नहीं, चार रूट है इसमें, अभी तो छूट रहा है एक। एक रूट ये हो जाएगा, वाई से क्यू में तो जाएगा, लेकिन ये यम में नहीं बल्कि एन में जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा वाई क्यू एन। ये आपकी ट्रिक बन गई है ना, कितनी आसान ट्रिक। अब आप इसी का प्रयोग करके बगल में दिया गया सवाल सॉल्व कर सकते हो चुटकियों में। चलिए दिखा देते हैं जल्दी से साथियों। आप लोग इस क्लास को ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, इसी वजह से ये क्लास को वरीयता नहीं मिलती पीवीआर स्टडी में। अगर आप कॉम्पिटिशन की क्लास को वरीयता देना चाहते हैं, डेली रेगुलर क्लास चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो सभी दोस्तों में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू जाएंगे इन क्लास पे, तो क्लास आपकी रेगुलर होगी, नहीं तो फिर जीरो लेवल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो जीरो लेवल ही चलेगी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, और लाइक करके बेल आइकन ऑन करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं इसको, तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और पेज को लाइक करें। चलिए ए बी सी डी निकालना है, लिख लीजिए ए बी सी डी, क्वालिटी चेंज कर लीजिएगा, फुल एच डी दिखेगा, लैपटॉप कंप्यूटर टीवी कहीं भी देखोगे। ए बी का वैल्यू दिया है हमारे पास 53, हमने लिख लिया। बी सी देखो 15 दिया है, बी सी 15, 1 और ये 5। सी डी दिया है 27, सी डी क्या दिया है 27, ध्यान देना। रूट मैंने जो बता दिए हैं वही चलेंगे, देखो पहले किनारे किनारे, तो उसी तरह से इसमें हम चलेंगे। चाहे तो आप ट्रिक याद कर लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए। पहला रूट ये हो गया, मतलब पाँच का गुणा इसमें होगा, इसका इसमें होगा। देखो इसको लिखने का मतलब गुणा ही था, ठीक। तो चाहे तो पहले गुणा कर ले, चाहे तो कहो इकट्ठा लिख लेते हैं। चलिए पहले लिख ही लेते हैं, पाँच गुणा 1 और गुणा 2। देखिए समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन समझ लोगे तो जल्दी कर ले जाओगे। पहला रूट हो गया। दूसरा, 3 का 1 में और 1 का फिर 2 में, तो 3 का 1 में 1 का 2 में। तीसरा पे आना, 3 का 5 में और फिर 5 का 2 में, 3 का 5 में और 5 का 2 में। अंतिम रूट पे चलना, अंतिम रूट कौन सा है, 3 का 5 में लेकिन 5 का 7 में, तो ये 3 का 5 और 5 का 7। ये आपका देखिए आंसर आ गया, अगर आप इसको गुणा कर लें तो। कोई कट पीट रहा है तो काट पीट दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। देखिए इसमें अगर जो भी कटने वाला है आप उसको काट के निकाल सकते हो, पहले तो गुणा करना हमें फिलहाल, लेकिन अगर काट देंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए जो गिनती सभी में कॉमन है उसको आप काट सकते हो, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ना 3 कटेगा ना 2 कटेगा। अगर 5 की बात करें तो वो भी ना कटेगा, कोई ना कटेगा। तो ये 5 दूना हो जाएगा फाइनल में 10, और ये 3 दूना 6, और फिर ये 3 5 15 2 30। और अगला अगर बात करें तो 3 5 15 7 105। देखिए ये आपका उत्तर हो गया, यानी कि ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी का मान आ गया 10 अनुपात 6 अनुपात 30 अनुपात 105।
अगर आप ट्रिक समझ गए हैं तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इस क्लास को भी तुरंत लाइक कर दें, आप चाहे जहाँ देख रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, जल्दी करें और वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आप आगे पढ़ सकें। हो गया स्क्रीनशॉट। इसी तरह की ट्रिक हम आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आग लगा देंगे, सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, फिर देखिए ट्रिक की मैथ आपको दिन भर में 4 बार मिलेगी। लेकिन नहीं शेयर करेंगे तो फिर वही 0 लेवल। साथियों, इसके आगे इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर के हम उपस्थित होंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगला पार्ट देखना होगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो इंडी स्क्रीन में ऊपर दिखेगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो नंबर पर संपर्क करिएगा। VIP सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको 700 रुपये सिर्फ एक बार का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको सारी क्लास व्हाट्सएप पर दी जाएगी। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल ना करें, 1 रुपये का पे ना करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर PBR स्टडी को लाइक करके फॉलो कर लें, वहाँ पर सारी क्लास फ्री वाली देखते रहें, फिर आपको वहाँ पर खोज के खुद पढ़ना होगा, ठीक ना। जय हिंद, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी दोस्तों में फैला दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है।